बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। TNSR की पोजीशन जो है इस वक्त वो आपके आगे रखने जा रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि यार अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये इसके अंदर पंपिंग हमें पिछले इस 4 घंटे के अंदर हम लोगों को देखने के मिल रही है, तो हम सोचेंगे कि यार नहीं, ये इस पंपिंग तो इससे पहले भी 4 घंटे में देखने को मिली थी। ऐसी बात नहीं होती। मैं जो आपको उसके बारे में आज बताने वाला हूँ, आप लोगों ने वो गौर से तसल्ली से समझ लेना है। उससे पहले आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर अच्छी लगे तो। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी आपकी जो स्पॉट छोटी छोटी बन रही होती है, मैं हमेशा हमेशा यही बात कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा यही सलाह दे रहा होता हूँ आप लोगों को। एक मिनट में दोबारा से आप लोगों को अगर रख देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इस स्पॉट की बात कर रहा हूँ। जब भी यार दोस्तों स्पॉट छोटी बन रही होती है ना, वो अच्छी स्पॉट होती है, ठीक है। अब छोटी स्पॉट से क्या मुराद है, कम से कम 4 से 5 कैंडलें होनी चाहिए। इसके अंदर 4 कैंडलें बन चुकी हैं। आप इससे पीछे देख लो यार, मुझे कहीं पे भी 4 कैंडलें इकट्ठी दिखा दो। ये देख लो, इससे पीछे यहाँ पे 4 कैंडलें हैं इकट्ठी स्पॉट वाली। कहीं पे भी 4 कैंडलें मुझे दिखा दो यार, इकट्ठी रेगुलर होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ। कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे ये बनी है, ये कंसिस्टेंसी के साथ रेड बनी है, 3-4 बन गई। अब उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया, समझ आ रही है बात की मेरी। ये मैं अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये टेक्निकली तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये फंडामेंटलिज्म के हिसाब से भी ये वेरीफाइड है, ठीक है। अच्छा, अब देख लो यार, 4 कैंडलें रेड की बनी है, उससे ज़्यादा बन गई, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद नीचे आ गया, क्रैश हो गया, ठीक है। अच्छा, ये स्पॉट जो बनी है ना 4 कैंडलों वाली, इसका मतलब है ये पंपिंग होनी थी और ये हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, अब आप लोगों ने करना क्या है, पंपिंग जो हो तो चुकी है, लेकिन आगे हमें एक बड़ी हैवी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जो 0.95 के लगभग है, और उसकी स्पॉट पे हम बिल्कुल देख रहे हैं, स्पॉट के और उसके सेंटर से ऊपर ये जा रही है इस वक्त। करंटली जो सिचुएशन बन रही है इसकी, करंटली जो स्पॉट आपको दिखाई दे रही है वो 0.85 के ऊपर है। अच्छा, अब करना क्या है इसके अंदर, सिंपल सी सलाह दूंगा यार। इस वक्त जिस एरिया में है ना, ये बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आप लोगों ने इसको देखना है, ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये देख लो, ये दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे करके एक रेजिस्टेंस आएगी 0.97 के ऊपर, और उसके बाद एक और रेजिस्टेंस 1.0 पे आएगी। जो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो आप लोगों के आगे रखने जा रहा हूँ। आप लोगों ने अगर इसके अंदर एंट्री की हुई है तो आप लोग होल्ड करो, थोड़ा सा और प्रॉफिट मिलने वाला है आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों ने बुकिंग करके एंट्री एग्जिट हो जाना है। अच्छा, एंट्री नहीं करनी है अब आप लोगों ने, एंट्री इसलिए नहीं करनी क्योंकि आगे रेजिस्टेंस है। हाँ, आपको ये रेजिस्टेंस अगर ख़त्म होती हुई नज़र आती है, रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ देता है उसके बाद ऊपर आ जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है। मैं मौके के ऊपर आप लोगों को वीडियो बना के बता सकता हूँ उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, उस वक्त जो है ट्रेंड लाइन किस तरफ जाएगी, क्या वेरिफिकेशन होती है टूल्स की मदद से, क्या आपकी सिचुएशन बनती है, वो उस वक्त ही बात हो सकती है, इस वक्त हम बात उसकी कर नहीं सकते, ठीक है। अब आप लोगों को एक सिंपल सी मैं सलाह दे रहा हूँ, आप लोगों ने होल्ड इसको करना है, अगर एंट्री की हुई है प्रॉफिट बुक करने के बाद एग्जिट होना है। अभी भी आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी है एक और कैंडल बनने की, ठीक है, क्योंकि ये पहली कैंडल है। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो दोस्तों, यार वीडियो को लाइक कर दो, फिर से यही बात करने वाला हूँ इंशाल्लाह, अगली वीडियो में मिलूंगा, अल्लाह हाफिज़।